my name is Nalini and welcome to my kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं डेजर्ट, वो भी इटालियन. इट्स कॉल्ड मैंगो पैना कोटा. और पैना कोटा बहुत ही टेस्टी यमी होता है, जिसको हम अगर अगर से बनाएंगे. हम जिलेटिन का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको प्योरली वेजिटेरियन बनाएंगे. तो आइए देखते हैं मैंगो पैना कोटा कैसे बनता है. इसके लिए चाहिए हमें एक कप फ्रेश क्रीम. हमने 3 चम्मच लिया है पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस. इसके लिए चाहिए 1.5 चम्मच अगर अगर, और एक ही बोल हमने लिया है कोकोनट मिल्क. या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने फ्रेश क्रीम लिया है 1 कप तो कोकोनट मिल्क लीजिए 1/2 कप. एक पैन लेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गैस ऑफ करके उसमें डालेंगे क्रीम. ध्यान रखेंगे कि गैस बंद रहेगा क्योंकि हमको इसको बॉयल नहीं करना है. ऐड करेंगे इसमें शुगर और इसको कर देंगे एक अच्छा सा मिक्स. शुगर आप पिसा हुआ यूज़ करें और जितना आपको टेस्ट पसंद हो उतना यूज़ करें. इसमें ऐड कीजिए वैनिला एसेंस या वैनिला एक्सट्रैक्ट और उसको दीजिए एक अच्छा सा मिक्स. गैस थोड़ा सा ऑन करके हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क. जस्ट इसको मिक्स करेंगे और हमको बॉयल नहीं देना है. जैसे ये देखिए गरम से ये बबल्स थोड़ा होने लगे, गैस फिर से ऑफ कर दीजिए. अब अगर अगर में ऐड करेंगे पानी 2 चम्मच और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स. हम इसके लिए गरम पानी ही यूज़ करेंगे. इस अगर अगर के मिक्सचर को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. ग्लास लेंगे और उसमें ये जो प्लेन कोकोनट मिल्क और फ्रेश क्रीम जो लिया था उसको ऐड करेंगे. इसको अब हम फ्रीजर में रखेंगे 4 घंटे के लिए. पैना कोटा की प्री लेयर के लिए चाहिए हमें मैंगो पल्प. यहाँ पे हमने एक बड़ा मैंगो का पल्प निकाल लिया था और उसको मिक्सी में पीस लिया था और कुछ इस तरह की हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखिए. और इसके अलावा चाहिए हमें शुगर. मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लिए हैं. शुगर आपको जैसा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए. यहाँ पे लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच अगर अगर का और ये तकरीबन 2 ग्लास के लिए 1.5 चम्मच चाहिए होता है हमें अगर अगर. मैं चूँकि यहाँ पे एक ही मैंगो पैना कोटा बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच अगर अगर का लिया है. एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे मैंगो पल्प. आप इसकी जगह अनार का पल्प भी ले सकते हैं, अनार को पीस लीजिए, उसके जूस को यूज़ कीजिए. स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो. चूँकि इस समय गर्मियों का दिन है और आम इजीली अवेलेबल है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ मैंगो पैना कोटा भी बना रही हूँ. इसको हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, धीमी आँच पे ही जस्ट इसमें शुगर ऐड करना है. मैंने यहाँ पाउडर शुगर लिया है और इसको मिक्स करना है अच्छे से ताकि शुगर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए. मैंने अच्छे से शुगर इसमें मेल्ट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे अगर अगर. और वो कैसे डालेंगे? अब अगर अगर में हम डालेंगे गुनगुना पानी करीब 2 चम्मच और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स. और इसमें ये ऐड करेंगे अपना अगर अगर का पानी और जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस कर देंगे हम बंद. और इसको अब हम ले आएंगे थोड़ा सा ल्यूक वार्म टेम्परेचर. इसको बहुत अच्छे से स्टर करेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए. कि नारियल और व्हिप क्रीम का ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से इसमें अब जम चुका है और इसके ऊपर अब हम लेयरिंग करेंगे मैंगो की, तब ये कहलाएगा मैंगो कोकोनट पैना कोटा. अब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ये मैंगो वाला मिक्सचर और इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे टिल जब तक ये दोनों सेट ना हो जाए. तीन हमारा ये पैना कोटा रेडी हो गया है. मैं इसको फ्रेश क्रीम से गार्निश कर रही हूँ. क्रीम से गार्निश कर दिया है एंड हियर इट इज रेडी नाउ. हमने अगर अगर की हेल्प से पैना कोटा बनाया. पैना कोटा डिफरेंट तरह का बनता है, कॉफी से, चॉकलेट से, डिफरेंट तरह के फ्रूट के फ्लेवर से आप बना सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ मैंगो यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह अनार यूज़ कर सकते हैं या पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी अच्छा सा कलर आए. और इसके ऊपर बहुत सारे आर एडी कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के लेयर्स आप बना सकते हैं. तो देखा आपने कि ये मैंगो पैना कोटा कितने आसानी से बना और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है.
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बना हुआ है प्लीज़ उसे भी प्रेस कीजिए मेरे डेली नोटिफिकेशंस के लिए। मैं नालिनी इजाज़त चाहती हूँ, नमस्कार।